सुबह के बज रहे हैं 6:30 और भैया टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर हो रखा है -14। हो कपड़े बन रखे हैं हमारे बिल्कुल ठंडे। हमने अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक चादर है, इलेक्ट्रिक जो ब्लैंकेट है, उसको गर्म करने के लिए लगा दिया है और कपड़े इसके अंदर घुसा देंगे अब। और पहले गाड़ी भी स्टार्ट करके देखते हैं आज होती दूर है कि नहीं होती है। तो भाई टेम्परेचर तो आपने देख लिया, -14 तो फोन दिखा रहा है, पता नहीं यहाँ कितना है। और गाड़ी स्टार्ट करना सबसे बड़ा टास्क है हमारा। गाड़ी को पहले स्टार्ट करके देखते हैं भैया। ठंडा ओहो, गाड़ी तो सन्नाटे में हो गई भैया। और ये है यहाँ का बाथरूम, और यहाँ देखो बाथरूम में जमी हुई है बर्फ, पांव भी जल रहे हैं। ये देखो ये भैया बहुत बुरा हाल है यहाँ। भैया ने पानी दिया है लेकिन ऐसा पानी है उसमें हाथ नहीं डाला जा रहा, इतना गर्म है। तो अब मैं गोलू को भेज रहा हूँ नदी से पानी लाने। ठीक है गोलू, ले आएगा ना नदी से पानी? वहाँ थोड़ी जाना उतनी दूर। ये गाड़ी के आगे नहीं गिर रहा पानी, ये नदी में इसमें से भर ले। ये भी तो नदी है, छोटी सी नदी। हाँ हाँ साफ है, वो ऊपर से आ रहा है वो नदी का, इधर से भर, इधर 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 थोड़ा और इधर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है। बाल्टी नीचे रख ले पहले। और ये पानी मिक्स करेंगे उसमें, फिर मुंह हाथ धोएंगे। नहाने की तो हिम्मत नहीं है भैया यहाँ, यहाँ हालत बहुत बुरी है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बहुत ही ठंडी सुबह चिटकुल की, और धूप तो आ रखी है लेकिन भाई टेम्परेचर हो रखा है -13-14। और बुरा हाल है, मुँह हाथ तो हमने धो लिया गर्म पानी वगैरह करके मंगा के। अब यहाँ से निकलते हैं, बोला भी नहीं जा रहा भाई, जवान लड़खड़ा रही है, इतनी ठंडी हो रखी है। अब गाड़ी में अपना सामान पैक करते हैं और निकलते हैं चिटकुल से। और आज या तो नाको जाएंगे या फिर टापू जाएंगे। ये कह रहे थे कि इनका टाबो में भी है और कासा में भी है सेम चीज़, तो हम सोच रहे हैं इनके ही होम स्टे वगैरह जो भी है वहीं रुकें, क्योंकि हमारा स्टे बढ़िया था यहाँ पे। ये बसपा रिवर है जो ये चिटकुल के पास बहती है, बिल्कुल रिवर के किनारे पे इनका ये कॉटेजेस है। एक बार आप भी देखिए, ये देखिए ये सामने बसपा रिवर है, ये रिवर बह रही है मस्त। ये स्नो ग्राउंड हो रखा है पूरा, और यहाँ पे इनके ये कॉटेजेस हैं। कॉटेजों में फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, पानी की कोई कमी नहीं है। पानी मतलब रनिंग वाटर नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब भी मांगेंगे गर्म पानी की बकेट आपको तुरंत मिलेगी। दूसरा, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट मिलता है, इलेक्ट्रिक केटल मिलती है, और केवल 2000 रुपये में दो बंदों का। और खाने के साथ अगर आप लेते हैं जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा, वो 4000 का पड़ेगा आपको, तो अच्छा है। हमने तो नहीं लिया क्योंकि हम खाने पीने वाले आदमी तो हैं नहीं, हमने केवल एक दो दो रोटी खानी थी, तो हमने कहा यार हम वो अलग आटे मंगा लेंगे।
इंक्लाइन है ये बहुत ज़्यादा। वीडियो में आपको इतना पता नहीं चल रहा होगा लेकिन बिल्कुल खड़ी होकर चल रही है गाड़ी और स्नो गिरा हुआ है इस पे। बचियो भाई बाल बाल बचियो। वो साला पहले किनारे किनारे चल रहे थे एकदम से गाड़ी के आगे आ गया वो। स्नो मोड जो है ना कातिल है, स्नो मोड कातिल भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा गाड़ी को। ब्लैक आइस में आराम से चल रही है। वो तो कल हम ढलान पे फंस गए लेकिन फिर भी निकल गई थी आराम से, और उसमें फिर 4x4 लगाना पड़ा था मुझे। हो गई भैया एडवेंचरस रोड शुरू चटपुल से निकलने की। अब यहाँ से सांगला है करीबन 30 किलोमीटर के आसपास, पहले वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पे सब डीजल डलाते हैं और जो हम कैन लेके आए हैं वो भी भरते हैं, और उनसे पूछते हैं एंटी फ्रीज के लिए, अगर उनके पास हुआ तो वो भी लेंगे। क्योंकि कल तो एक बार मैंने रात को स्टार्ट करी थी गाड़ी 12 बजे के आसपास, फिर सुबह ही करी डायरेक्ट स्टार्ट। तो भैया जितने भी पानी पूनी तो सब जम गया था गाड़ी का, इसका जो आगे पानी है हम जो धोने के लिए पानी रखा हुआ था स्प्रे बोतल में सब जम गया। तो भैया इतना एक्सट्रीम ठंड के लिए तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि डीजल अगर जम गया हमारा तो भैया हमारे स्पीति ट्रिप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। गर्म करना पड़ेगा पूरा गाड़ी। वैसे स्टोव तो है हमारे पास, अब हमें पता भी नहीं है ना कि कहाँ गर्म करना है क्या गर्म करना है, क्योंकि जो होते हैं उनको तो पता होता है डीजल नहीं जमना चाहिए भैया हमारा। डीजल कितने टेम्परेचर पे जमता है, लगभग 25-30 पे, 25-26 पे जम जाता है। यहाँ भी टेम्परेचर कल लगभग 15-20 के बीच था, तो अभी जमने वाला तो हाल हुआ नहीं। लेकिन काजा में शायद जम रहा है डीजल, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, तो उसमें था कि वो जो टेम्पो ट्रैवलर था उसका डीजल जम गया था। तो भैया रोड बहुत ही ज़बरदस्त है, वैसे बर्फ़ गिरा हुआ है इस पर। अभी तो गाड़ियाँ आ सकती हैं इस पर, अभी नॉर्मल गाड़ियाँ 4x2 भी आ सकती है इस पर अभी आराम से। साफ कर रखी है उन्होंने रोड, लेकिन वही है कि स्पीड इस पर चल रही है करीबन गाड़ी 15-20 मुश्किल से। और यहाँ से नाको का जो रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 घंटे का, तो 4 घंटे में तो 2.5 घंटे तो भैया यहाँ से करचम पहुँचने का ही होगा, क्योंकि बहुत ही ख़राब वो है। 1.5 घंटा तो कम से कम होगा, 1.5-2 घंटा करचम का, क्योंकि यहाँ से करचम लगभग 40-50 किलोमीटर है।
और वो वहाँ तक ऐसी चलनी है गाड़ी 15-20 पे। एक्सट्रीम ही एडवेंचर हो जाएगा इस बार हमारा, पहली बार स्नो में, इतनी स्नो में हमने ड्राइव करी गाड़ी पहली बार जब से हमने ये चैनल बनाया, तो काफ़ी मज़ा आया, फंसा भी थी हमने गाड़ी, बच गए लेकिन। तो इसी उस पर हमारे इसी एडवेंचर और इसी हिम्मत पे आपकी तरफ से एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करके ज़रूर जाना वीडियोस को, उसी की वजह से हमें यूट्यूब रीच देगा फिर। तो गाइस आपका ही सहारा है हमें, तो सब्सक्राइब और लाइक बिना ठोके मत जाना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी जो विंटर स्पीची सीरीज चल रही है उसके अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करते रहें भैया और लाइक भी। लाइक एक्चुअली क्या है, जैसे हमारी गाड़ी डीजल से चलती है उसको फ्यूल चाहिए होता है, तो ऐसे ही आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे चैनल को फ्यूल मिलता है और हमको फ्यूल मिलता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो भैया सांगला आते समय, चिटकुल की तरफ आते समय, मतलब स्टार्टिंग में ही है पेट्रोल पंप, ये हो गया भैया हमारा तेल, गाड़ी की टंकी फुल और हमने वो भी भर दिया, हमारा जो अंदर ये बड़ा है कहने ये भी भर दिया फुल, और एंटी फ्रिज भी मिक्स कर दिया है। चल चलते हैं अब आगे। यहाँ पे क्या हो गया भैया, कोई नीचे चला गया क्या? देखो नीचे तो नहीं गया कोई, शीशा खोल के देख। अरे नहीं क्या देख रहे हैं, पीओ से चितकुल, ये रिकॉन्ग पीओ से चितकुल जा रही है। तो भाई लोग आ गए हम चितकुल घूम के, अब ये आ गया करचम ब्रिज जिसके थ्रू ही चितकुल जा सकते हैं। अब यहाँ से हम फिर करचम ब्रिज को क्रॉस करके अब नाको के लिए राइट जाएंगे, कल हम आए थे लेफ्ट से, नारकंडा से हम आए थे लेफ्ट की तरफ से, आज हम जाएंगे राइट की तरफ नाको के लिए, नाको टाबो काजा सब के लिए। तो यहाँ से जाती है गाड़ी रोड और ये है जगास रोड, ये रोड सही आ गए, ये मिलेगी जबरदस्त रोड। अब पहले कहीं पे रुक के नाश्ता करेंगे, स्पीड का चलान भी है यहाँ, आराम से चलना पड़ेगा। ओ हो, ये क्या हो रखा है, जा तो सकते हैं ना साहब, पेड़ काटा हुआ है, पेड़ गिरा होगा ना कहीं से, वो काटा है इन्होंने, पत्थर पुत्थर सब आ रखे हैं इसमें, बस यही दिक्कत है इसमें ना, पत्थर गिरते रहते हैं साला ऊपर से, रोड तो बढ़िया है बस इसमें दिक्कत एक ही है, वो देख बड़े बड़े पत्थर आए रहते हैं इसमें ऊपर से। फायर ब्रिगेड कहाँ जा रही है भैया, ठंडियों में बर्फ में आग बुझाने, वो देख सामने जा रही है फायर ब्रिगेड। ये निकल गए हम रिकोंग पियो, पीछे रह गया रिकोंग पियो का कट, रिकोंग पियो यहाँ ऊपर है, कल्पा रिकोंग पियो हमारे लेफ्ट में ऊपर, और हम सीधा निकल चुके हैं पू के लिए, पू से नाको। यहाँ पहले पड़ेगा हमें, पू से पहले पड़ता है जहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, कौन सी जगह है, स्पिलो,
स्पिलो, फिर पड़ेगा पू और उसके बाद नाको। क्या बाजा बजा हुआ है उसका, डब्बा बन गया पूरा। कौन सी गाड़ी है ये, गाड़ी भी नहीं पहचानी जा रही हो तो पूरी तरह। नीचे गिरी होगी ना, नीचे से खींच रखी हो ऊपर। यहाँ पे एंट्री होगी शायद हमारी, यहाँ पे होगी एंट्री। आई थिंक यहाँ पे नया चेक पोस्ट लगा है, पहले नहीं था यहाँ पे चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट पहले सीधा सुमड़ में होता था, ये वाला तो होता ही नहीं था। ये नया चेक पोस्ट बनाया पू में, और यहाँ पे भी एंट्री होती है गाड़ियों की। ये है भाई यहाँ का फेमस पाप संगम, ये बोलते हैं मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री तो बोलते हैं। हाँ मोनेस्ट्री का भी बताता हूँ तेरे को, रुक जा। ये तो खाप संगम है, यहाँ पे ना दो नदियाँ मिल रही हैं। वो सतलुज आ रही है सामने से उधर जिधर पुल बना हुआ है, और इधर से आ रही है स्पीति रिवर। ठीक है, जिधर पुल है उधर से आ रही है सतलुज। सतलुज एक्चुअली वो उसका नाम कुछ और है, चाइनीज नाम है, वो चाइना से आ रही है। अच्छा। तो चाइना तेरा सामने है, वहाँ पे भी तो था। किधर, वहाँ पे भी तो मिली थी यही नदी। अरे तो ये तो यहाँ से बन के जा रही है सतलुज। अच्छा, यहाँ पे मिलती है वो चाइना के लिए। देखो रास्ता दिख रहा है वो जा रहा जो ये सामने है, ये सीधा चाइना जाता है। मतलब वहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर पे जाते हैं चाइना के। हाँ इधर है, ये है खाप संगम का ढाबा। तो कोई पुलिस वाला भी नहीं है यहाँ पे, नहीं है ना यहाँ पे। ये यहाँ नीचे से वो जा रही है ना रास्ता, वो देख कच्चा सा, वो पहाड़ दिख रहे हैं वो, बस वहीं पे चाइना है। तो कोई भी नहीं वहाँ पे, तो जाने नहीं देते कोई भी। वो रोड देख कैसे बनी हुई है, ऐसे 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 ऊपर जाने नहीं देते। अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं है ना, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं तो करा खाप संगम। हाँ तो फोटो खिंचा रहे होते हैं लोग। अब ये आ गया आपका मस्त वाली रूट आगे के लिए। कहीं नीचे से आ रहे हैं हम, वहाँ बहुत नीचे से, और वहाँ भी हमने बहुत मोड़ काटे थे और पूरे नदी के किनारे, और यहाँ से फिर से हम मोड़ काटते काटते ऊपर आए हैं। और ये यहाँ से, और अभी हमने नाको के लिए और ऊपर जाना है। और सामने बर्फ की चोटियाँ और ठंडी हवा दिखने लग गई है, चोटियाँ दिखने लग गई है, ठंडी हवा चल रही है। चलो फिर नाको पहुँचते हैं। नाको रह गए यहाँ से 6-7 किलोमीटर रह गया होगा। वाइट स्पीति की बर्फ दिखने लग गई हमें, यहीं से आपका वाइट स्पीति शुरू हो गया है। विंटर स्पीति, ये देख यहाँ रुकने के लिए बना रखे हैं, यहीं रुकते हैं आज। हैं यहीं रुकते हैं, मैंने कहा आज ऊपर मार्केट में मलिंग 2 किलोमीटर। ये आ गया नाको सामने, बस गर्मी कितनी है। और यहाँ झील है, हवा देख रहा है बाहर की, गाड़ी के अंदर लग रही है तेरे को गर्मी, बाहर उतरी जरा। हाँ पता है हवा हो रही है। वो सामने है नाको गांव उधर, यहाँ पे थोड़ा चाय चुए पीते हैं, प्लान करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये पहुंच गए हम नाको, चाय का ऑर्डर दिया है, यहाँ पे पियेंगे चाय, फिर उसके बाद हम सोच रहे हैं आज टाबो ही निकल जाए, टाबो ही चलते हैं आज। ये देखो बाइकर गैंग आ रखी है। ये है नाको विलेज सामने, वहीं है नाको की झील, उधर अभी हम जा नहीं रहे हैं। वो विलेज में जाना बड़ा दिक्कत वाला काम है, हमारी बड़ी गाड़ी भी है साला, वहाँ ले जाने में दिक्कत हो जाती है गाड़ी।